नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। गाइस, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओमेंस वन डे कप का मैच। ये होने वाला है थर्ड मैच डायनामाइट्स ओमेन वर्सेस चैलेंजर्स ओमेन के बीच। इंटरेस्टिंग सा मैच होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ना ऑलमोस्ट डिफॉल्ट टीम सभी जाएंगे, बट आपके पास दो पॉइंट होंगे जिनको पकड़ के ना आप आई थिंक बेटर स्कोर कर सकते हो अगर थोड़ा रिस्क लेते हो। मैं डिप्थ में एनालिसिस करूंगा वीडियो में, मेक श्योर करना वीडियो आप अंत तक देखो ताकि आपको पूरा एनालिसिस मिले। एंड हाँ, साथ ही साथ सिर्फ एक सीज़न नहीं, इन्होंने 2019-20 का सीज़न में आपसे रिकॉर्ड डिस्कस करना है। लास्ट सीज़न ऑफ था कोविड के कारण, बट उससे पहले का जो सीज़न का रिकॉर्ड थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड कुछ प्लेयर्स लाइक डियाना बाइक फर्स्ट मैच में विकेट लेस थे, उनका परफॉर्मेंस क्या था लास्ट सीज़न में इसी टूर्नामेंट में ओमेंस वनडे कप में, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए माइनर सा पॉइंट होंगे बट मेजर सा रोल प्ले करेगा आपकी टीम मेकिंग में, तो मेक श्योर करो वीडियो अंत तक देखो। पसंद आए तो लाइक करना, अगर आप लोग चैनल में न्यू हो एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो गाइस फैंटेसी दुनिया फाइनली बैक चैनल में को आप सब्सक्राइब कर देना। एंड आफ्टर टॉस अपडेट, मतलब 10:30 बजे मोस्ट प्रोबेबली मैच स्टार्ट होगा इसके आसपास, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, केवल इस मैच का नहीं, फ्यूचर के मैचेस का भी अपडेट मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, और जिन भाई का लिंक काम नहीं करेगा वो सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सिंपली उनको सर्च करना पड़ेगा @TeamFDF। तो 14,300 से ज़्यादा फिलहाल मेंबर्स हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। मैं प्रेफर करूँगा लिंक से ज्वाइन हो, अगर लिंक काम नहीं किया तभी सर्च करके ज्वाइन होना। आता हो एनालिसिस में लाइक करके स्टार्ट रखना। ओमेंस वनडे कप का मैच थर्ड मैच होगा, एक इन्होंने हारा एक इन्होंने जीता। अब टीम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उससे पहले वेन्यू रिकॉर्ड देख लेते। कराची में मैच खेला जाएगा, यहाँ पे 220 ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड है, 220 भी चेजिंग होना चाहिए। बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक है यहाँ पे, हमेशा ही रहते हैं। 10:30 इंडियन टाइम स्टार्ट होगा, सनी एंड सनी, मतलब पूरा सनी वेदर रहेगा, डोंट वरी मैच पूरा होना चाहिए। डायनामाइट्स वुमेन ने लास्ट मैच में क्या कुछ किया था देख लेते। ठीक है, मुनीबा सबका एकदम डिफॉल्ट पीक है, मुनीबा लेना ही है, कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है यहाँ पे। एंड करेंटली ना इन्होंने, आप अगर देखोगे वेस्ट इंडीज वुमेन्स के साथ जो मैचेस थे वहाँ पे भी इन्फॉर्म थे, अच्छे खेले थे और बहुत अच्छा खेला था इस ये अपनी टीम के लिए। तो मुनीबा करेंटली इन्फॉर्म प्लेयर, 62 रन है। एस शमास ने 22 किया था। के हफीज़, कायनात हफीज़ फर्स्ट मैच में हाईली सिलेक्टेड प्लेयर, हम लोग सेल किया था इनको एक्सचेंज 22 में एंड बहुत मुनाफा दे गया। 57 अलिया रियाज, अब इन्होंने 6 ओवर डाला था। साइदा अरूप शाह, सॉरी ये साइदा ए है जो भी है, फिर 0 किया था। फतिमा ने 9 किया था। 16 किया था नशरा संधू ने, 7 ओवर डाला था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत अच्छे प्लेयर। राइट आर्म मीडियम महम तारिक ने 6.4 ओवर 1 मिनट 32 रन की विकेट। गाइस फर्स्ट इनिंग्स अगर बॉलिंग हुआ ना तो ये आपको डेथ में कराते हुए दिख सकता है। आई रिपीट, महम तारिक आपको डेथ में कराते हुए दिख सकता है फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग में। हजरत बिलाल 7 ओवर 21-0, एफ जहरा 3-16-0। फतिमा लेग ब्रेक स्पिन, इन्होंने इनका ना 2018 याद है आपको, 2018 आया था ना 21 आने से पहले, हाँ उसमें इन्होंने सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर था इसी लीग में, मतलब वुमेन्स वनडे कप में। लेग स्पिन करते हैं गाइस, डिफरेंशियल पीक हो सकता है। पहला मैच में हम लोग इनको बाई किया था एक्सचेंज 22 में, बहुत मुनाफा देके गया था क्योंकि मुझे रिकॉर्ड पास्ट के रिकॉर्ड से मैं एनालिसिस करके ही निकालता हूँ, सिर्फ परसेंटेज सिलेक्शन मुझे आता नहीं। चैलेंजर्स वुमेन हाफ एफ फरिया एम ने 43 बनाया था, सिद्रा अमीन ने 18 बनाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है गाइस, ये तो ठीक है आपको विकी सेक्शन में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है नहीं, बेटर चॉइसेस नहीं है तो हम लोग चल सकते हैं इनके साथ। सिद्रा अमीन शायद जंदा ड्रॉप कर जाए, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बहुत ही डिसेंट प्लेयर है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका, ऐसे ही वेली आप इनको ड्रॉप मत कर बैठना, अच्छा प्लेयर है। आई रिपीट, जवेरिया खान ऑब्वियस सा बात है। इराम जावेद अच्छा खेला था इन्होंने वेस्ट इंडीज वुमेन के अगेंस्ट, सबसे बड़ा बात क्या है ना, थोड़ा अटैकिंग नेचर के प्लेयर है, यहाँ पे भी 91 बनाया था 66 बॉल में, अटैकिंग खेलते हैं। एन अलवी ने 14 किया था। शायदा ये एस नजीम ने 7-15-1, इनको बैटिंग थोड़ा मोड़ा आता है। वहीदा अख्तर डोमेस्टिक में इनका अक्सर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। दुआ मजीद ने 1 किया था। डियाना बाइक ने गाइस 5 ओवर में विकेट लेस, इंटरेस्टिंग सा बात है, और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे इनके ऊपर। जहरा ने 2 विकेट निकाला था, अनुषा ने 2 विकेट निकाला था। अब देखो जहरा और अनुषा में अगर किसी एक को लेना पड़ेगा, अब अगर देखोगे लास्ट मैच का सिनेरियो, इन्होंने अपना 10 ओवर ऑलमोस्ट कम्प्लीट कराए थे और इन्होंने 6 कराया था। इससे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आता है कि मे बी टीम इनको थोड़े ज़्यादा पसंद करे कम्पेयर टू इनसे, ठीक है ये चीज़ याद रखना, आपके लिए डिफरेंशियल हो सकता है।
अब गुड पिक्स है जी फतेमा आपके लिए, क्योंकि ये लास्ट के लास्ट सीजन अच्छे खेले थे 2018 वाले सीजन, और सिद्र अमीन मेरे हिसाब से बंद होंगे। ठीक है, कैप्टन चॉइसेस फिलहाल मेरी टीम में अलियर रियाज एक सेफ है मेरा मानना है। मुनीबा ना अच्छे पिक है, केवल बैटिंग से पॉइंट देंगे, पहला काम इनका बॉलिंग है नहीं। दूसरा बात, ये विकी करते हैं बट फिलहाल विकी कर नहीं रहे, कैप्टेंसी कर रहे। जवेरिया गाइस वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है ऑल टाइम इनके लिए, बिस्मा मारूफ और जवेरिया खान बहुत अच्छे बैट्समैन है। बिस्मा तो खेल नहीं रहे बट ये एक अच्छे प्लेयर है, और हाँ इनको बॉलिंग आता है राइट आर्म स्पिन, मे भी करा ले बाद में यूजफुल सा पिक। अब तो थोड़ा सा मैं पास्ट रिकॉर्ड मतलब 2019 वाला सीजन में आता हूँ, बैटिंग इन नेशनल ट्राइंगुलर वन डे वुमेन्स कप जो हुआ था 2019-20 सीजन में। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ये ऑफिशियल डाटा से मैंने निकाला आप लोग के लिए। इसमें अगर देखोगे तो सबसे शॉकिंग नाम होगा, सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो थे सिद्र अमीन, 5 इनिंग्स 216 रन बनाए थे इन्होंने। अब इनको जनता इग्नोर कर रही है, ये खेल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली एज अ ओपनर और वन डाउन, नहीं ओपनर खेल रहे हैं, वहीं पे इराम जावेद खेल रहे हैं 2 डाउन। अगर चेजिंग हुआ, आई रिपीट, अगर चेजिंग हुआ मे बी आप एक आधा टीम में इनको वाइस कैप्टन रख के इराम जावेद को ड्रॉप कर सकते हो, बट बैटिंग फर्स्ट हुआ तो इराम जावेद भी इक्वली इंपॉर्टेंट पिक होंगे, क्योंकि ये तो पूरे 25 ओवर खेलेंगे नहीं, इराम को भी बैटिंग करने के मौका मिलेंगे जितने भी ये अच्छे खेले। बट चेजिंग में आई थिंक सिद्र अमीन थोड़े बेटर, एंड हाँ डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सेफ जाओगे और सेम डिफॉल्ट पिक्स के साथ जाओगे तो खेलना ना खेलना इक्वल होता है मेरे हिसाब से। कायनात हफीज ने बहुत अच्छा खेला था, 5 मैच 5 इनिंग्स 156। इराम ने भी रन बनाए थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने 5 मैच 5 इनिंग्स में 142, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया था। एवरेज भी देखोगे तो गाइस इनका 54 एवरेज था और इराम का 35 का एवरेज था। सिद्र अमीन ने एक शतक भी किया था, गाइस सिद्र अमीन बहुत अच्छे प्लेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ इराम जावेद बहुत ख़राब प्लेयर है, वो भी अच्छे खेल रहे इन फॉर्म भी है, बट मैं पहले सिद्र अमीन थोड़े से ज़्यादा मैं पिक पसंद करूँगा सिद्र अमीन को अपनी टीम में रखना। फिर अगर आप आते हैं हम लोग गाइस कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि अलिया रियाज का कुछ ठीक ठाक रन, 5 मैच 5 इनिंग्स 136 रन थे। नटालिया परवेज विद बैट परफॉर्मेंस अच्छा था, तो आपके लिए ना वाइस कैप्टन पिक हो सकता है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि ये मे भी आपको बैटिंग से पॉइंट दे। अपना बॉलिंग फर्स्ट में भी रख सकते हो, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट में ना शायद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है तो डेथ में भी करा लेगा, तो ना बॉलिंग फर्स्ट में भी वाइस कैप्टन रख सकते हो नटालिया परवेज को, जो आपको कुछ ना कुछ बैटिंग से और बॉलिंग से पॉइंट देंगे। बट शायद यहाँ पे नसरा संधू खेलेंगे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, परवेज तो शायद है नहीं, हाँ नसरा संधू है, सॉरी माफ़ करना, नसरा संधू का बात चलेगा, परवेज का नहीं चलेगा। जवरिया रॉफ, नहीदा खान, कायनात इम्तियाज, अगर मैं बोलने लायक है, डियाना बाइक ने 5 मैच 4 इनिंग्स में 96 रन बनाए थे। मुनीबा देखो 4 मैच 4 इनिंग्स में 94 रन बनाए थे, और जवेरिया का फॉर्म थोड़े ऑफ थे, 4 मैच 4 इनिंग्स में 83 उस सीजन में। बाकी यहाँ पे बोलने लायक मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एंड बॉलिंग सेक्शन में हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट कौन निकाले थे, साइदा अरूप शाह ने निकाले थे, 5 मैच में 14 विकेट था इनका। अलिया रियाज यहाँ पे भी है, तो मेरे हिसाब से डिफ़ॉल्ट कैप्टन हो जाते हैं, ये बैटिंग बॉलिंग से परफॉर्मेंस दिया था लास्ट सीजन में, करेंटली बैटिंग से पॉइंट दिया है, बॉलिंग से भी बॉलिंग करा रहा है। सदिया इकबाल 5 मैच में 7 विकेट, छोरो इनका मैं बताऊंगा नहीं, फिलहाल महम तारिक का था 4 मैच में 5 विकेट, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ना डेथ करा सकता है। फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग थोड़े ज़्यादा बेटर पिक, वहीदा अख्तर डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्मेंस हमेशा इनका रहता है। बाकी देखोगे साबा नज़ीर का 4 मैच में 4 विकेट था, नसरा संधू का 5 मैच में 4 विकेट थे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये रहा नसरा संधू का 5 मैच में 4 विकेट, ये पॉइंट्स आप देख लो, 5 मैच में 4 विकेट था नसरा संधू का। नीचे बहुत ज़्यादा बोलने लायक नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एनालिसिस का रीज़न है वो है क्या, डियाना बाइक देखो 5 मैच खेला था इन्होंने, 3 विकेट निकाले थे, तो गाइस और 4 मेडन भी डाले थे नो डाउट, बट ये आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे डियाना बाइक, जो इंटरनेशनल में तो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है हमेशा, सॉरी देती है हमेशा। तो फिलहाल आता हूँ मैं एनालिसिस कंप्लीट करके हमारे टीम सिलेक्शन में, थोड़ा सा मुझे रिस्क लेना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, फाइनल अपडेट इस मैच का टेलीग्राम पे आएगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। देखो कुछ पॉइंट्स आप देखो, कुछ टीम्स आप ऐसे भी कर सकते हो जहाँ पे मुनीबा वाइस कैप्टन, ये मुझे नहीं लगता कि आपके हिसाब से बहुत सेफ होंगे, बट हाँ बना सकते हो। और जवेरिया खान किसी को वाइस कैप्टन, कैप्टन अलिया, इराम जावेद, एफ महमूद, नसरा संधू, महम तारिक है,
जी फतिमा है, वाइदा अख्तर है, एस मसूमा है और गैस ए नसीर है। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। इसको एक टीम में रख सकता हूँ, इनके अगेंस्ट मैं बैकअप में, मेरे हिसाब से अगर राइस और रन बनते हैं और ऑल आउट नहीं होते उस टीम में, इन दोनों को मैं ड्रॉप करता हूँ। इन तीनों को मैं रख रहा हूँ क्योंकि रीज़न देखो, ये बॉलिंग लेग स्पिन कराते हैं, वाइदा अख्तर डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंस अच्छा है, मसूमा ने 9.5 ओवर डाला था। अब यहाँ से मैं सिद्रा अमीन को ज़रूर ट्राई कर सकता हूँ, ये एक अच्छे पिक हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई चॉइसेस नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी मत करो, यहाँ से सिद्रा अमीन अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एस नज़ीर को, ट्राई कर सकते हैं एक टीम में। एक और टीम आप में भी वाइस कैप्टन यहाँ पे नसरा संधू को यूज़ कर सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट बात और एक है, फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग होगा तो इन दोनों को रख सकते हो, इराम जावेद सिद्रा अमीन। बट अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग हुआ और सेकेंड इनिंग्स में चेजिंग, तो एक आधा टीम में ना सिद्रा अमीन के साथ जा सकते हो और इराम जावेद को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि मे भी अगर 150 के करीब और 160-170 बनाया तो हो सकता है कि ये इजी चेज कर ले। ऐसे भी वन डाउन जवेरिया खान खेलेंगे, ओपन करेंगे सिद्रा अमीन, ये भी एक फॉर्म प्लेयर है, तो ये टीम मुझे थोड़े से बेटर लग रहे हैं और इनके बॉलिंग भी ऑन एन एवरेज बेटर लग रहे हैं मुझे। डियाना बाइक परफॉर्मेंस नहीं दिया, स्टिल इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बाकी अपडेट इस मैच का एंड फ्यूचर के मैचेस का आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे आएगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, बाय।